शंखनाद में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बंगाल में मुस्लिम मतदाता किसका बनेगा भाग्य विधाता, यह सवाल इसलिए क्योंकि फुरफुरा के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी आज से बंगाल के रण में खुलकर उतर गए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के नाम का ऐलान किया है। उनकी पार्टी का नाम है इंडियन सेक्युलर फ्रंट। अब्बास सिद्दीकी जिस फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा है उसका प्रभाव बंगाल के करीब 100 सीटों पर है। कुछ महीने पहले तक पीरजादा ममता बैनर्जी के ममता दीदी के समर्थन में थे, इसीलिए मुस्लिम वोटर्स टीएमसी का माना जाता रहा था, मगर अब पीरजादा दीदी से खफा हो चले हैं और ओवैसी की पार्टी के साथ चुनावी समर में उतरे हैं। अब बंगाल की लड़ाई कैसी होगी, कैसा होगा घमासान, किसका होगा मुसलमान, इन सवालों की गूंज तेज हो चली है। ये रिपोर्ट देखिए। अब की बार बंगाल में मुसलमान लगाएंगे नैया पार, या अब की बार मुसलमान करेंगे ममता दीदी का बंटाधार, या अब की बार किंग मेकर बनने के लिए मुसलमान तैयार, जो सोचना है वो सोचिए, लेकिन इतना जरूर है कि फुरफुरा के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का यह ऐलान बंगाल की चुनावी राजनीति में कहीं गेम चेंजर न साबित हो जाए। ये हमारा जो एजेंडा है, संविधान की गणतंत्र जो अधिकार है, वो अधिकार पिछड़ा हुआ आदमी के पास पहुंच देना, उसका जो अधिकार उसको मिला देना। देखिए, जो हमारा विरोध में आएंगे उसी के साथ हमारे गणतंत्र का चुनाव लड़ेगा। बस शुक्रिया। लास्ट सवाल, असदुद्दीन ओवैसी साहब आपसे आए थे, क्या उसके साथ अलग से गठबंधन बनाएंगे असदुद्दीन ओवैसी? जब हम फंड का ऐलान करेंगे तब इंशाल्लाह समझ जाएंगे। तो पीरजादा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्यों, समझिए इसे। फुरफुरा शरीफ देश की बड़ी दरगाहों में से एक, पश्चिम बंगाल के सियासत में यहाँ 31% मुस्लिम वोटर्स हैं और 100 सीटों पर फुरफुरा शरीफ का प्रभाव है। मतलब ये कि फुरफुरा शरीफ जिसे चाहेंगे उसे बंगाल की कुर्सी दिलाएंगे। बीजेपी इस कदम से खुश है, ये अलग बात है कि वो जाहिर नहीं कर रही। वो एक नौजवान आदमी है, वो पार्टी कर रहा है, तो देखना चाहिए मानुष किस तरीके से उसका साथ जाएगा। पीरजादा के भरोसे वो वैसे भी बंगाल के रण में ताल ठोक रहे हैं। अबूबकर सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, वहाँ पर गया, फिर वहाँ पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से मेरी बातचीत हुई और हमने फैसला लिया कि असेंबली के इलेक्शन में हम लड़ेंगे और अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ ठहरेंगे और वो उनके साथ रहेंगे, उनका जो फैसला होगा हम उनके साथ जाएंगे। वैसे तो कांग्रेस और टीएमसी दोनों की नजर पीरजादा पर थी, लेकिन पीरजादा ने अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का ऐलान करके टीएमसी की बाजी पलट दी, इसलिए टीएमसी परेशान है। बीजेपी का वोट कटुआ है, बीजेपी का वोट कटुआ, इसमें कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि हम बंगाल के जनता जो है इतने बुद्धू तो नहीं है। टीएमसी भले ही अब्बास सिद्दीकी के सियासी शुभारंभ को हल्के में लेने की अदाकारी करे, लेकिन मालूम उसे भी है कि मुस्लिम वोट बंटने का गणित सियासत को कितना प्रभावित करेगा। बंगाल के भूगोल में मुस्लिमों के रोल को समझिए। सेंट्रल बंगाल में करीब 56.6% मुसलमान आबादी है, जबकि नॉर्थ बंगाल में 45.7%, वहीं पहाड़ी क्षेत्र में 14.9%, तो जंगल महल जोन में 9.1% मुस्लिम वोटर हैं। मुस्लिम मतदाताओं का वोटिंग का पैटर्न बताता है कि जीत में बड़ा फैक्टर वही है। साल 2014 और साल 2019 में मोदी लहर के बावजूद टीएमसी का वोट शेयर बरकरार रहा, क्योंकि तब मुस्लिम दीदी के साथ खड़ा रहा और पीरजादा भी, लेकिन अब हालात अलग है। अब तीखा होता जा रहा है बंगाल का घमासान, किसके साथ जाएगा मुसलमान। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। 100 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव है और इसी वजह से टीएमसी की चिंता बढ़ी हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को पीरजादा में भी अपनी जीत दिखाई दे रही है, जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान किया है। इस पर हम बातचीत करेंगे, आगे हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक ओर पश्चिम बंगाल में जाति और धर्म के समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बंगाल की राजनीति में हिंसा और भड़काऊ भाषण का दौर लगातार जारी है, जहां पार्टियां गद्दार को परिभाषित करने की कोशिश में लगी हुई हैं।
टीएमसी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। तो रोज अगर आप गोली मारेगा बोलेगा तो मुझे आत्मरक्षा करना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जवाब मिल गए। जिस दिन से मुकुल राय तृणमूल छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया उसी दिन गद्दार सब बंगाल की राजनीति में आ गए। मार देंगे, काट देंगे, चीर देंगे, ये गूंज किसी दुश्मन देश से आर पार की जंग में नहीं है, बल्कि ये अंदाज बंगाल में चुनाव का है। पश्चिम बंगाल के सियासी मंचों से निकलती ये भड़काऊ आवाजें सड़कों को लाल रंग से लथपथ कर देती हैं। पार्टी कोई भी हो, हर किसी के दामन में खून के दाग लगने का आरोप लगते रहे हैं। दो दिन पहले टीएमसी की कोलकाता की शांति रैली में गोली मारने के नारे लगे, तो हुबली में शुभेंदु की रैली में गोली मारने की गूंज सुनाई दी। पश्चिम बंगाल की गलियों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के गोली के नारे ममता सरकार को हजम नहीं हुए। बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी जमानत याचिका रद्द कर दी गई। अब बहस गद्दार कौन और बंगाल का वफादार कौन पर छिड़ गई है। जिस दिन से मुकुल राय तृणमूल छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया उसी दिन गद्दार सब बंगाल की राजनीति में आ गया। जो लोग तृणमूल से भाजपा में आ रहे हैं उसे ये लोग गद्दार बोल रहे हैं। कौन जय श्री राम बोल के डंडा मार के गाड़ी मोटर बाइक तोड़ रहा है। और एक बात हम कहने चाहते हैं, अगर रोज अब कुत्ता को भी जाके काटेगा ना, लात मारेगा, एक दिन कुत्ता भी भोग देगा। तो रोज अगर आप गोली मारेगा बोलेगा तो मुझे आत्मरक्षा करना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। गोली और गद्दार के सियासत में अब गंगा जल की एंट्री हो चुकी है। चंदन नगर में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के सभा स्थल का तृणमूल महिला कांग्रेस की तरफ से गंगा जल और शंख की ध्वनि से शुद्धिकरण किया गया, यज्ञ का आयोजन किया गया। जिस बंगाल में चुनाव का एजेंडा विकास और स्थानीय समस्याएं होनी चाहिए थी, वहां गोली, गद्दार और चीरफाड़ के नारे लग रहे हैं। कुर्सी का अग्निपथ लाल रंग से लथपथ हो रहा है। आज तक ब्यूरो। राजचरित का ये रक्त चरित हर किसी को हैरान और परेशान कर रहा है, लेकिन नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसी के जरिए अपनी राजनीति को चमकाने में लगातार ये तमाम पार्टियां लगी हुई हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ शंकरनाथ का हिस्सा बन चुके हैं, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूँ। डॉक्टर सुकांता मजूमदार, जो कि सांसद और प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और साथ ही अर्पिता घोष, राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता टीएमसी के, हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत अर्पिता घोष आपसे करते हुए, ये मार देंगे काट देंगे इस वाली राजनीति पर हम आएंगे, लेकिन उसके पहले मुस्लिम मतदाता के बंटने का कितना ज्यादा डर है टीएमसी में, क्योंकि पीरजादा ने दीदी को हराने के लिए अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया। पहली बात तो ये है, जब तक कोई पीरजादा या फुरफुरा शरीफ कुछ भी बोलिए, वो जब तक वो एक धर्म का मुद्दा है तो दूसरी है, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं तो लोग उसको पॉलिटिकल पार्टी ही देखेंगे। और बंगाल के लोग इस बार भी विकास के ऊपर वोट करेंगे, डेवलपमेंट के ऊपर वोट करेंगे, ना कि कोई ऐसा मुद्दे पर वोट करेंगे। कि आप लोग देख लीजिएगा, आगे चल के चुनाव के बाद देख लीजिएगा रिजल्ट की, ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के दिल में रहते हैं और वो विकास के लिए काम किए हैं, वो आगे चल के लोग उनके साथ ही रहेंगे, ये आपको दिखाई देगा। डॉक्टर सुकांता मजूमदार वो कह रही हैं कि विकास पर ही जनता वोट करने वाली है पश्चिम बंगाल की, और बीजेपी जितनी भी चाल चल रही उसमें वो कामयाब नहीं होगी। साथ ही पीरजादा उनके मैदान में आने से तो बीजेपी काफी ज्यादा खुश हो गई है। देखिए, बीजेपी किसी की भरोसे पे कभी नहीं रहती, बीजेपी एक संगठनात्मक बेस पार्टी है आप जानते हैं, इसलिए हम अपने संगठन के भरोसे ही लड़ते हैं। और कहां तक डेवलपमेंट की बात हुई, तो जब पश्चिम बंगाल में जब सारे देश के साथ कोरोना का प्रभाव भरा, तब डिफरेंट स्टेट्स से कितने सारे लोग, जो हमें परिजाई श्रमिक जिसे बोलते हैं, अदर स्टेट में माइग्रेंट लेबर्स बोलते हैं, उस अदर स्टेट से पश्चिम बंगाल आने की कोशिश कर रहे थे, और हमारे ममता बनर्जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी उन्हें रोक रही थी कि वो कोरोना एक्सप्रेस लेके आ रहे हैं। तो इससे पता चलता है ना, जहां पे डेवलपमेंट होता है लोग काम के लिए वहां जाते हैं, वहां छोड़ के नहीं जाता। अगर यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है तो यहाँ से करोड़ों के संख्या में माइग्रेंट लेबर्स क्यों अदर स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए,
जी मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में काम करता हूँ या उत्तरी बंगाल में जो हमारे क्षेत्र है, अगर माइग्रेंट लेबर्स की बात करेंगे लाखों के संख्या में, बीजेपी का नेता होने के नाते आपको तमाम दूसरे राज्यों के सवालों के जवाब भी देने होंगे, लेकिन मैं ये पीरजादा साहब के आ जाने से आप लोग इतने खुश क्यों हो रहे हैं? चुनाव वो लड़ रहे हैं, पार्टी उन्होंने बनाई, मुसलमानों के रहनुमा वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी इतने खुश क्यों है? देखिए बीजेपी की खुशी या दुख की बात नहीं है, ये किसी की भी सांवैधानिक अधिकार है, कोई भी चाहिए अपनी पार्टी बनाए, पार्टी बना के अपने मैदान में आ सकती है। ममता बनर्जी ने भी कभी अपनी पार्टी बनाई थी कांग्रेस से टूट के आके, तो ये उनका हक है, हक है, संवैधानिक अधिकार है। बीजेपी अपने भरोसे, अपने संगठन के भरोसे इलेक्शन में लड़ेगी और जीतेगी। अर्पिता घोष, लेकिन ये जो टीएमसी के नेताओं की ओर से भाषा बोली जा रही है, कुत्ता काटेगा तो कभी तो उसका धैर्य जवाब देगा, और ये कौन सी भाषा है? टीएमसी के पास क्या मुद्दों की कमी है? क्या बीते 10 सालों में आप लोगों ने कोई भी ऐसा कामकाज नहीं किया कि उसकी चर्चा कम और कहीं ज्यादा आपके नेताओं के बड़बोलेपन की चर्चा ज्यादा हो रही है चुनावों में? को बीजेपी के भाषा सुनाई नहीं दे रहे हैं, शायद टीएमसी के भाषा सुनाई देते हैं। तो ऐसा है कि मुझे पर्सनली, मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई भी भाषा ऐसी बोली जाए पॉलिटिक्स में, ताकि शालीनता के बाहर है। तुम्हें लगता है कि ये शालीनता से अंदर रखना चाहिए, भाषा सही होना चाहिए, पर कभी कोई बोल देते हैं तो ये हम इसके पीछे नहीं खड़े हो जाते हैं कि ये सही बोला है, ये हम लोगों ने कभी नहीं बोलते हैं। हम उसको उसके बड़बोले नेताओं पर लगाम फिर क्यों नहीं लगाती है टीएमसी, और बीजेपी के लोगों को एग्जांपल के तौर पर ज्यादा देख रहे हैं? अपनी पार्टी के लोगों को रोकिए, पहले लगाते नहीं है, आपको कैसे पता चला? एक के बाद एक हर रोज बड़बोले बयान, विवादास्पद बयान। पार्टी के अंदर इसके लिए पार्टी इसका बंदोबस्त करती है और उनको तैनात किया जाता है कि ऐसे भाषा ना बोले, क्योंकि हम इस भाषा के विरोध में है। और अपोजिशन में जो भाषा आते हैं बंगाल में, इसका कोई मतलब हम लोग कभी सुने ही नहीं थे, ऐसा भाषा यहाँ पे चल रहा है। तो ठीक है, अर्पिता घोषी, आपकी बिल्कुल साफ आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं चाहूंगी कि जल्दी ही दुरुस्त किया जाए ताकि स्पष्ट तौर पर हमारे दर्शक सुन पाए कि टीएमसी की प्लानिंग क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो कहीं ज्यादा खुश हो गए हैं, क्योंकि मुस्लिम वोटर अगर बटेगा तो सीधे सीधे वो अपना फायदा देख रही है। लेकिन डॉक्टर सुकांता मजूमदार, आप लोगों की भी नजर तो टीएमसी पर ही है ना, तोड़ दो फोड़ दो सारे नेताओं को टीएमसी के अपने बीजेपी में खींच कर ले आओ, थोड़े दिनों के बाद तो बीजेपी और टीएमसी में फर्क करना तक मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी के पास अपने कोई नेता नहीं है क्या पश्चिम बंगाल में? देखिए बीजेपी किसी नेता को टीएमसी से तोड़ के नहीं ला रही है। बीजेपी बहुत सारे टीएमसी के जो नेता है वो खुद अपने आप से डिसीजन लेके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत सारा एस्पिरेशन था लेकिन कहीं से पैराशूट से भाई को टपक गया। इसके वजह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बहुत सारे नेताओं है जो नाखुश है, जिन्होंने जिंदगी दी है तृणमूल कांग्रेस के लिए अपनी, वो नाखुश है, इसलिए वो टीएमसी को छोड़ के आ रहे हैं। और आप उनको कैसे खुश कर रहे हैं? सारे नेताओं के एप्लीकेशन है, लिस्ट है, नाखुश है डॉक्टर सुकांता, तो बीजेपी कैसे खुश कर रही है उनको? देखिए बीजेपी अपने जो भी आ रहे हैं टीएमसी के लीडर्स को, उनको जो जिस पद सम्मान के अधिकारी है, हम उनको सिर्फ उतना सम्मान दे रहे हैं। देखिए सम्मान सबसे बड़ी चीज होती है टीएमसी में, जो नहीं होता, क्योंकि टीएमसी में एक ही पोस्ट होता है और बाकी सब लैंप पोस्ट होता है। टीएमसी में एक ही पोस्ट है, वो एक ही परिवार है, जैसे कांग्रेस का हाल है, उसका ही कार्बन कॉपी है पश्चिम बंगाल, या कांग्रेस लाइट बोल सकते हैं आज के भाषा में, वो है टीएमसी की कांग्रेस। उसमें एक आदमी, एक ममता बनर्जी और उनके साथ उसका आधा भाई, इनका ही चलता है, बाकी किसी का भी कुछ नहीं चलता। लेकिन तो ममता बनर्जी के सामने जो अपने आत्मसम्मान, कौन सा नेता है बीजेपी का पश्चिम बंगाल में जो उनके सामने खड़ा हो पाए और बीजेपी कह पाए कि ये हमारे मुख्यमंत्री होंगे? देखिए मुख्यमंत्री हमारे जो विधायक दल चुने जाएंगे वो चुनेंगे, या पार्टी का आलाकमान जो हमारा है वो चुनेंगे, लेकिन अभी इसमें बहुत सारे नेता है बंगाल के जो लोकल पेपर्स है, हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट है दिलीप घोष जी, उनको कभी पूछा जाता था आपका फेस कौन है, और बाद में उसी पोर्टल में या उसी न्यूज चैनल में दिखाया गया कि प्रोबेबल 5 फेसेस ऑफ बीजेपी फॉर सीएम, तो है इसने दिखा रहे हो। मैं हम किसी बीजेपी का नाम के लिए नहीं तो लेना ये भी दिक्कत हो जाएगी ना कि किसी एक चेहरे को आगे कर दे तो बीजेपी में फूट हो जाएगी।
कि किसी भी एक पश्चिम बंगाल के चेहरे पर समर्थन आप बाकियों का जुटा नहीं पाएंगे, ये भी तो सवाल है। मैं चाहूंगी जल्दी से अर्पिता घोष की आवाज अगर सही हो गई हो तो बताएं। अर्पिता घोष जी, वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में सम्मान नहीं मिलता है, सम्मान पाने के लिए लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे पार्टी के सम्मान के बारे में डॉक्टर सुकांत मोनिंदर को इतना पता है, मुझे नहीं पता था। हमारे पार्टी अभी वो बोल रहे थे, हम सुन रहे थे कि ममता बनर्जी एक पोस्ट है, दूसरा लैंप पोस्ट है। अगर हम यही क्वेश्चन भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल मिनिस्टर से कहें तो वो क्या करेंगे? यहाँ पे क्या होता है सभी को पता है। तो ये बेकार की बातें ना बोली जाए। मुझे लगता है किसी कोई अगर हमारे पार्टी में रहना नहीं चाहते हैं, कोई जाना चाहते हैं, तो हम लोग नहीं रोकेंगे, उनको जाने दीजिए। जो उनका जो एम्बिशन है उनका आपस में वो जिंदगी में वो सफल हो, यही हम चाहते हैं। पर ये जान लीजिए कि बंगाल का सिचुएशन, कल्चर सब कुछ अलग होता है। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी कहेंगे और वैसा ही हो जाएगा। ये मतलब टीएमसी जब से आई है तभी से बंगाल का कल्चर अलग हो गया क्या? अर्पिता घोष जी, बीजेपी के जो नेता हैं वहां के स्थानीय, वो कहीं दूसरे मंगल ग्रह से आए हैं? आप लोग कहती हैं बाहरी हैं, कहीं बाहर से आए हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, कल्चर अलग है। बीजेपी के जो स्थानीय नेता है वो कहाँ के हैं? आप खुद बता रही हो, हमने बंगाल के बाहर के बात बताई नहीं है, आप खुद बता रहे हो। आपके लोग ही कहते हैं कि बाहरी लोग आकर माहौल खराब कर रहे हैं। अपनी जो माहौल है, हमारे जो कल्चर है, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें ममता बनर्जी का विकास के जो चलते, वोट विकास के चलते ही हो गया, आप देख लीजिएगा। आप बीजेपी कह रही है कि विकास पुरुष के रूप में, फिर बताएंगे कि कैसा क्या हुआ है। देश भर में अपनी मजबूत जड़ें जमाने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं 23 तारीख को बंगाल, और इसी वजह से दीदी डर गई हैं। दीदी डरती नहीं है, ऐसा नहीं है, दीदी की डरने की सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि मोदी जी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री है, वो आ सकते हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो जरूर आ सकते हैं बंगाल में, उसमें दीदी का डरने वाली क्या बात हुआ है। मोदी जी तो यहाँ पे वोट लड़ने के लिए आ नहीं रहे, तो हम लोग तो, हमको वो आने से भी ममता जी के अगेंस्ट में खड़े होने दीजिए ना मोदी जी को, फिर देखेंगे। ठीक है, चलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे तो उसके बाद वहां का मिजाज किस तरह से बदलता है, इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गुजरते दिन के साथ पश्चिम बंगाल की लड़ाई भी दिलचस्प होती हुई चली जा रही है, लेकिन वहां पर मार देंगे काट देंगे कि जो राजनीति चल रही है अपने आप में वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार बंगाल की हर एक खबर आज तक शंखनाद के जरिए आप तक पहुंचाता रहेगा, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिन्होंने तत्काल आग लगने के बाद पूरे मामले की जानकारी ली, और अब उद्धव ठाकरे सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे, हालात का जायजा लेंगे। आज सीरम इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में आग लग गई थी जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। आसमान से उठता ये धुआं उस सीरम इंस्टीट्यूट के प्लांट में लगी आग का है जहां से 1.5 किलोमीटर दूर कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड तैयार की जा रही है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के प्लांट की 5वीं मंजिल पर आज दोपहर अचानक धुआं उठने लगा और कुछ ही देर में आग ने 2 फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया। कोरोना वैक्सीन तैयार कर रही सीरम इंस्टीट्यूट के प्लांट में लगी आग की खबर से हड़कंप मच गया और फौरन ही बिल्डिंग में फंसे लोगों को बचाने की कवायद शुरू हो गई। हालांकि जब तक आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया तब तक 4 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि 6 लोगों को बिल्डिंग से सुरक्षित निकाला गया। लास्ट फ्लोर पे वो पूरा फ्लोर जो जलकर राख हुआ था उसमें 5 बॉडी हमारे फायर ब्रिगेड के जवानों को यहाँ पे मिली, और इसकी वजह से ये पूरी दुर्घटना में 5 लोगों की आज जाने गई है। सीरम इंस्टीट्यूट की जिस बिल्डिंग में आग लगी वहाँ कोरोना की वैक्सीन नहीं बन रही थी और इस नई बिल्डिंग में निर्माण का काम चल रहा था। हादसे में जान गंवाने वाले लोग यहाँ निर्माण कार्य में ही लगे हुए थे और आग लगने के बाद वो इसमें फंस गए। सीरम इंस्टीट्यूट में आग की घटना की वजह भी साफ नहीं हो सकी, हालांकि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के नजदीक ये इंस्टीट्यूट है, वहां पर आग लगी थी और अभी जो खबर आई है
उसके अनुसार वो जो आग लगी थी वो अभी काबू में आई है। कोविड वैक्सीन जहां बन रही थी वहां आग नहीं लगी थी, उसके बाजू में बीसीजी की वैक्सीन जहां बन रही थी या बना रहे थे वहां आग लगी थी। बताया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जल्द इस प्लांट में काम शुरू करने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही इस प्लांट को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आज तक ब्यूरो। अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण यह हादसा, जिसकी वजह से 5 लोगों की जान चली गई है। पूरे मामले में जांच के आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन जहां पर वैक्सीन बनाई जा रही थी उस प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, यह अच्छी खबर। शंकरनाथ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। शाम के 7:30 बज चुके हैं और अब बात करेंगे वेब सीरीज तांडव। तांडव चालू हुआ है, जी हां, तांडव पर देश में चल रहे तांडव की बात कर लेते हैं। आज लखनऊ के हजरतगंज थाने की पुलिस मुंबई में तांडव के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर के घर पर उसने धावा बोला, लेकिन तीनों अपने घरों से गायब मिले। उनके घर पर पुलिस टीम ने नोटिस चस्पा कर दिए हैं। उधर वेब सीरीज के खिलाफ केस दर्ज होने का सिलसिला भी लगातार जारी है। ये तांडव है, शहर शहर आक्रोश का तांडव है। कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर मचा तांडव है। शिवसेना इसे हास्य कह रही है। अरे स्वर्ग में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की भी आत्मा दुखी हुई होगी इन देवताओं के अपमान को लेकर। तांडव नाम की वेब सीरीज के खिलाफ देश भर में तांडव है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज वेब सीरीज तांडव पर तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। तांडव वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज लखनऊ की हजरतगंज पुलिस अली अब्बास जफर से पूछताछ के लिए मुंबई में अंधेरी के डीएन नगर के रुस्तम जी एलिटा बिल्डिंग में पहुंच गई। जिस वक्त पुलिस अली अब्बास जफर के घर पहुंची, उस वक्त वो अपने घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने उनके घर पर नोटिस चस्पा दिया। पुलिस ने अली अब्बास जफर को पेश होने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। सर इसके आगे का क्या प्रोसीजर अभी का आप समझ रहे हैं? आगे वो आएंगे, उनको भी स्टे है ना हाईकोर्ट में। अच्छा, हाईकोर्ट के 3 हफ्ते का स्टे है, स्टे के बाद उनको टाइम दिया गया। अली अब्बास जफर घर से नदारद मिले तो यूपी पुलिस गौरव सोलंकी के घर पहुंची, लेकिन गौरव सोलंकी भी घर से गायब मिले। इसके बाद पुलिस ने गौरव सोलंकी के घर भी 7 दिन के भीतर पेश होने का नोटिस लगा दिया। गौरव सोलंकी के बाद यूपी पुलिस वेब सीरीज के प्रोड्यूसर हिमांशु मेहरा के घर उनसे पूछताछ के लिए रवाना हुआ। तांडव वेब सीरीज के खिलाफ केस की जांच के लिए हजरतगंज पुलिस ने मुंबई में डेरा डाल दिया है। यूपी पुलिस ने मुंबई के डीसीपी क्राइम को जांच से जुड़े जरूरी कागजात सौंपे और फिर पड़ताल में जुट गई। मुंबई पुलिस से सर आपको सहयोग मिल रहा है? पूरी तरह बहुत सहयोग मिल रहा है। हाँ। और उन्हीं के सहयोग से तो फिर आज जाऊंगा। हालांकि तांडव के निर्माताओं ने माफी मांगी, विवादित सीन भी हटाने के लिए हामी भर दी, लेकिन तांडव पर मचा विरोध कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में तांडव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने का सिलसिला थमा नहीं है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और नोएडा में वेब सीरीज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जयपुर में भी रिपोर्ट दर्ज हुई थी, अब ग्वालियर और इंदौर में भी सीरीज के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। मुंबई पुलिस को भी वेब सीरीज के खिलाफ केस दर्ज करना पड़ा। महाराष्ट्र की सरकार इन बदमाशों को और अमेज़न जैसी धनवान कंपनी को बचाना चाहती थी। लगभग 100 घंटे लग गए, 100 घंटे के बाद भी हमारा तांडव जारी रहा। तब जा करके जबरन इच्छा न होते हुए महाराष्ट्र सरकार को 100 घंटे के बाद FIR दाखिल करनी पड़ी। ग्वालियर में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस ने वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्ण मेहरा व राइटर गौरव सोलंकी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। तांडव वेब सीरीज के विरोध में हिंदू महासभा द्वारा एक ज्ञापन यहाँ पे दिया गया है और इस ज्ञापन को क्राइम ब्रांच को दे दिया गया है, जिसमें परीक्षण उपरांत वैधानिक कार्रवाई कर लेंगे। इंदौर में सीधे कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई गई है। कोर्ट ने पलासिया थाने की पुलिस को 2 दिन के अंदर जांच करने को कहा है। याचिका में तांडव के खिलाफ
15 पॉइंट उठाए गए हैं। लुधियाना में भी सर्वधर्म रक्षा मंच ने पुलिस में शिकायत देते हुए केस दर्ज करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हिंदू वाहिनी ने तांडव वेब सीरीज के खिलाफ प्रदर्शन किया और तांडव का पुतला फूंका। जिले की 5 तहसीलों में तांडव का पुतला दहन किया गया। अयोध्या के साधु संतों ने पहले से तांडव वेब सीरीज पर कोहराम मचा रखा था। अब साध्वी प्रज्ञा अयोध्या पहुंची तो उनके निशाने पर तांडव वेब सीरीज भी। जितने भी साधु संत हम सबसे आग्रह करते हैं कि एकजुट होकर ऐसे विधर्मी मानसिकता के विधर्मी लोगों के का विरोध करें और उनको सजा दिलवाने के लिए प्रयास करें। तांडव के कर्ता धर्ताओं को सपने में भी गुमान नहीं रहा होगा कि उनकी वेब सीरीज पर इतना तांडव मचाएगा। वेब सीरीज के खिलाफ केस दर्ज होने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। हालांकि तांडव के निर्देशक अली अब्बास जफर बॉम्बे हाईकोर्ट से 3 सप्ताह की अग्रिम जमानत लेने में कामयाब हुए, लेकिन उनकी मुसीबतों के बादल अभी छटे नहीं हैं। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित, बिजनौर से संजीव शर्मा के साथ सौरभ बख्तानिया, मुंबई आज तक। वेब सीरीज तांडव के विरोध की ज्वाला इस ताते उठी कि इसमें कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है। वेब सीरीज बनाने वालों ने माफी मांग ली है, वेब सीरीज से सीन हटाने को भी वो राजी हैं, तो फिर आखिर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? क्यों तांडव पर अब सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है? तांडव पर भड़कते शोलों से आखिर किसका फायदा होने वाला है? देश के गद्दारों को जूते मारो, देश के गद्दारों को जूते मारो, गिरफ्तार करो तांडव के निर्माताओं को, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। वेब सीरीज तांडव को लेकर देश भर में आग लगी है, तो बीजेपी के हाथ भी इस पर सियासी रोटियां सेकने का अच्छा मौका मिला है। मसला आस्था से जुड़ा है, हिंदुत्व से जुड़ा है। बीजेपी नेता गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक जो टिप्पणी की गई है, किसी भी हाल में क्षम्य नहीं है। उनको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, कड़ी कार्रवाई होगी कानूनी उन पर। ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा कि आप बार बार गलती करें और माफी मांग लें और उसके बाद फिर आपको छोड़ दिया जाए। तो ये मानकर आप चलिए कि जो लोग भी इसके पीछे अपनी राजनीति देख रहे हैं, हम आस्था देख रहे हैं, और किसी की आस्था पर चोट करने वाले को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, जिससे एक नाजीर बने कि समाज के एकता अखंडता के साथ और समाज के देश के संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी प्रकार की छूट और अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। वेब सीरीज के निर्माता, निर्देशक और लेखक पर शिकंजा कसने को यूपी पुलिस मुंबई में जा धमकी है, और महाराष्ट्र की सियासत इस पर गरमाई हुई। तांडव पर बीजेपी का आक्रामक रुख, शिवसेना को रास नहीं आ रहा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में बीजेपी पर तंज कसा गया है। संपादकीय में लिखा है, भारतीय जनता पार्टी अब हास्य व्यंग का विषय बन गई है। रोज नए स्वांग ढोंग रचकर जनता का मनोरंजन करने का प्रयोग वो करते ही रहते हैं, लेकिन उनके प्रपंची प्रयोग जनता को पसंद नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी ने जो तांडव शुरू किया है, उसमें प्रामाणिकता का अंश कितना है, इस पर संदेह है। अब तांडव को लेकर इतना जो तांडव किया, मगर यही तांडव दूसरी बातों में दिखाई नहीं देता। अब हिंदुत्व की, जब उनको हिंदुत्व सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही उनको हिंदुत्व याद आता है। अगर हमारे लोगों को अपने भगवान के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अगर यहाँ की महागाड़ी सरकार को अगर इज्जत नहीं है, प्यार नहीं है, आस्था नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि विरोधी पक्ष अगर कोई भूमिका लेता है तो गलत लेता है। एनसीपी और कांग्रेस भी तांडव वेब सीरीज को लेकर मची इस सियासी जंग में कूद पड़े। कांग्रेस का कहना है कि मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी तांडव पर सियासत कर रही है। हमें लगता है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इस पर कोई विचार करे, कोई एक सिस्टम बनाए ताकि इस तरह की आपत्तिजनक चीजें सामने ना आए और समय रहते ही चीजों को ठीक कर लिया जाए। किसी भी धर्म के, किसी भी भगवान का या मानने वाले का अनादर नहीं होना चाहिए, इसके तो हम सारे लोग खिलाफ है। लेकिन आज देश के सामने जो सबसे बड़ा मसला है, वो तांडव से ज्यादा बड़ा मसला है चाइना का। हमने अपने राज में कई गलत काम किए, अपने देश को तोड़ने का काम नहीं किया। इसके हाथ में सत्ता आ गई ना, कि लोकतंत्र खत्म कर देगा। वेब सीरीज तांडव में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई या फिर अभिव्यक्ति की आजादी का जायज इस्तेमाल हुआ, मामला अब पुलिस थाने से लेकर कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया है।
हिंदुत्ववादी संगठन इस मुद्दे पर आसमान सिर पर उठाए हुए तो खेल शुरू हुआ है, तो बीजेपी भी तांडव को लेकर देश भर में लगी आग को बुझने नहीं दे। सौरभ बक्तानिया के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। और अब बात करेंगे क्रिकेट की। अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया फतह कर टीम इंडिया आज स्वदेश लौट आई है। ऑस्ट्रेलिया से फ्लाइट सीधे दुबई आई और वहां से खिलाड़ी अपने अपने शहर और घर के लिए रवाना हो गए। खिलाड़ियों का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ, लेकिन जो जश्न रहाणे की सोसाइटी में मना वो भी ऑस्ट्रेलिया में मिली जीत की तरह यादगार बन गया। स्वदेश वापसी पर सितारों का स्वागत, कोरोना काल में भी फैंस निहाल। मुंबई के एयरपोर्ट से न जाने कितनी बार अजिंक्य रहाणे का आना जाना रहा होगा, लेकिन आज जो हुआ शायद कभी ना हुआ। देश ने अपने नायक और उसकी टीम का स्वागत दिल खोल कर किया। कोरोना काल में भी ऐसी गर्मजोशी मानो रहाणे और उनकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया का ही नहीं कोरोना का भी काम तमाम कर दिया। सितारों की झलक के लिए हर निगाह आतुर, हर दिल बेचैन, और कप्तान रहाणे की सोसाइटी ने असली स्टार वाली सलामी पेश की। ढोल नगाड़े, ताशे बताशे, मानो गणेशोत्सव और होली एक साथ मनाई जा रही है। मगर इस पूरे सफर में एक पल के लिए भी रहाणे के चेहरे पर कोई गुमान, कोई अभिमान नहीं आया। अपनी पत्नी और बच्ची के साथ वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे, शुक्रिया अदा करते रहे। अपनी बेटी आर्या एक बार जो अपने पिता की गोद में आई, फिर रहाणे को छोड़ा ही नहीं, मानो पिछले सारे महीने की कसर बेटी आज ही निकाल लेना चाहती हो। रहाणे को गुलदस्ता तक बेटी की गोद में लिए लिए पकड़ना पड़ा। कैप्टन है, कैप्टन है वो। माहौल में मस्ती भरपूर थी। रहाणे ने मराठी में लोगों को संबोधित भी किया, लेकिन वहां भी वही संदेश था। और ये देखिए टी नटराजन का स्वागत, मानो पूरा तमिलनाडु सड़कों पर उमड़ आया हो। बग्घी में बैठे नटराजन और उन्हें निहारता रहा जन जन। इस जाबाज ने अपनी मेहनत से तकदीर लिखी और उसी का नतीजा है ये तस्वीरें। किसी एक दौरे पर तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने नटराजन। ब्रिस्बेन टेस्ट में 4 विकेट चटक कर जीत में अहम किरदार निभाए थे नटराजन ने। उधर सीरीज का एक और नायक ऋषभ पंत दिल्ली पहुंचे। मीडिया की टीमें इस हीरो के स्वागत के लिए तैयार थी। जिस इत्मीनान के साथ उन्होंने भारत को जीत दिलाई, उसी इत्मीनान के साथ उन्होंने सवालों का जवाब दिया। इतना टाइम हो गया घर से बाहर रहे, क्रिकेट खेल रहे थे पिछले 6 महीने से, अब घर जाके अपने फैमिली से मिलने का टाइम मिलेगा फर्स्ट टाइम 6 महीने, काफी अच्छा लग रहा था। और इस तस्वीर ने पूरे हिंदुस्तान को भावुक कर दिया। हैदराबाद पहुंचते ही सिराज सीधे अपने पिता की कब्र पर गए, सजदे में सिर झुकाया। ऑस्ट्रेलिया दौरे के वक्त ही उनके पिता का इंतकाल हुआ था। नेशनल ड्यूटी पर होने की वजह से सिराज घर नहीं आ सके थे। आज वो सारे गम और गुबार यहां निकले। आज तक ब्यूरो। क्रिकेट में जीत का ये जश्न यूं ही देश में लगातार मनता रहे, इस उम्मीद के साथ शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक, और आगे देश का मिजाज जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।